हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंकी करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 13 मई 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया भर में विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 9 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 11 मई। देखिए, दुनिया भर में 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य थैलेसीमिया जैसे गंभीर आनुवंशिक विकार और इससे पीड़ित रोगियों के संघर्ष के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही यह दिवस पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों तथा इस रोग के उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों का भी सम्मान करता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा की गई थी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसका संचरण माता पिता से बच्चों तक पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। इस स्थायी रक्त विकार के कारण रोगी के लाल रक्त कणों में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 8 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए यून सुक एल, ऑप्शन बी है आपका ली जे मायू, ऑप्शन सी पार्क योंगजिन, ऑप्शन डी सुहवुक। देखिए, दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में यून सुक एल ने 10 मई को शपथ ली। साथ ही मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए सियोल शहर में आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान किया। उन्होंने उत्तर कोरिया के हथियारों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यून सुक एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी संगीता बहल, ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते। देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र की सतारा निवासी प्रियंका मोहिते 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। प्रियंका ने 5 मई को शाम 4:52 में दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रियंका मोहिते को वर्ष 2020 में तेंजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा चोटी को फतह किया था, जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो आपका 8091 मीटर है। 30 साल की उम्र में ही प्रियंका मोहिते 8485 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट मकालू को भी फतह कर चुकी है। वो 5895 मीटर ऊंचाई वाले माउंट किलिमंजारो को भी चढ़ाई कर चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 13 मई, ऑप्शन डी 14 मई। देखिए, विश्व भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटेंगल की याद में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। इस दिवस को सर्वप्रथम वर्ष 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा मनाया गया था, किंतु जनवरी 1974 में यह दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती पर मनाया जाने लगा। वे एक ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल ने 1850 के दशक में क्रिमियन युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनके प्रबंधन के रूप में भी कार्य किया। उन्हें लेडी विद द लेग कहा जाता है। उनके विचारों तथा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफी प्रभावित हुई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सांख्यिकी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार स्वास्थ्य से किसी भी महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व जब कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है तो ऐसे में नर्सों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 12 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ल्यूपस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 9 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 11 मई। देखिए ल्यूपस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। यह एक स्व प्रतिरोधी रोग है जो शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। स्व प्रतिरोधी बीमारी में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को बाहरी कोशिकाओं के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। ल्यूपस बीमारी का सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, लगातार मुंह का अल्सर, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द और अधिक थकान का बना रहना शामिल है। इसमें गाल और नाक पर तितली की पंखों जैसे लाल निशान बन जाते हैं। इसे बटरफ्लाई रेस भी कहते हैं। इसके तत्काल निदान और सही उपचार से इस रोग से बहुत हद तक बचा जा सकता है। यह बीमारी इतनी गंभीर होती है कि इंसान के मस्तिष्क, त्वचा, किडनी और भी कई अंगों को प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 10 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी भूटान। देखिए उत्तर कोरिया ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया ने कोरोना के पहले मामले की पुष्टि के साथ ही देश भर में गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश भर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया में कोविड-19 वैश्विक महामारी फैलने के 2 साल से अधिक समय बाद संक्रमण के पहले केस की पुष्टि की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन ए प्रशांत कुमार, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी मोहन त्यागी, ऑप्शन डी अरुण मल्होत्रा। देखिए राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 15 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। 19 फरवरी 1960 को राजीव कुमार का जन्म हुआ था। वे 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में लगभग 36 साल तक काम किया। उन्होंने बिहार झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक सेवाएं दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है आपका हिंद महासागर। देखिए वैज्ञानिक की एक टीम द्वारा प्रशांत महासागर के तल पर एक पीली ईंट की सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है। समुद्री वैज्ञानिकों के मुताबिक लीलू सुन रेंज सबसे बड़ी समुद्री संरक्षण वाली क्षेत्र में से एक है। अभी सिर्फ इसमें 3% हिस्से तक ही इंसान पहुंच पाए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। वैज्ञानिक ने सड़क जैसी संरचना के सैंपल भी लिए हैं, जिस पर रिसर्च जारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूजीलैंड ने किस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 31 जुलाई। देखिए न्यूजीलैंड 31 जुलाई 2022 को रात 11:59 पे जो है आपसा आगंतुकों के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खोलेगा। इस खबर की घोषणा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने की थी। देश भी उसी दिन स्थानीय बंदरगाहों पर क्रूज जहाजों का स्वागत करेगा। जुलाई के अंत में सीमा का खुलना सरकार की पिछली समय सीमा से 2 महीने पहले है और इसका मतलब यह होगा कि जिन आने वाले को वीजा की आवश्यकता होगी वे अब न्यूजीलैंड आ सकेंगे। सीमा को फिर से खोलने से न्यूजीलैंड के आगामी स्की सीजन से पहले पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका 31 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह जो कि आपका चरण 1 है में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में भारतीय सेना के 13 जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इनमें से 6 जवानों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने असाधारण सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले 3 वीरता पुरस्कार नामतः आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए थे, जिनको 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। इसके पश्चात अन्य 3 वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 को भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1992 को प्रारंभ किया गया था। इसको भी जो है आपका 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। इन पुरस्कारों को वर्ष 1967 से क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम देखें तो सबसे पहले आपका परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और उसके आखिरी में जो शौर्य चक्र आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 13। तो ये था इसके करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।